पहला यूनिट है, क्या नाम है इसका, पहला 20 नंबर यूनिट का फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स क्या है? संसाधन, ह्यूमन की अवेलेबिलिटी किसी भी फॉर्म में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होती है उसको मतलब ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। किसी भी फॉर्म में, किसी भी रोल में, किसी भी जॉब में, ठीक है। और इसके लिए बेसिक चीजें क्या है, ये कब से इसकी बात शुरू हुई, मैं जहां जहां आपको अंडरलाइन कराऊंगा वो आप कर लेंगे, पीछे जहां जहां अंडरलाइन कराऊंगा वो करेंगे। पहले पैराग्राफ में बीच में लिखा है द लैंडमार्क ऑफ टुमारो, द लैंडमार्क ऑफ टुमारो लिखा हुआ कहीं पे, उसको अंडरलाइन करिए। ये बुक किसने लिखी थी? पीटर डकर। तो पीटर डकर पहला नाम आ गया। और ये पीटर डकर क्या कहलाते हैं? पीटर डकर मैनेजमेंट गुरु, क्या है? तो इनका नाम आ गया, ये कर लेना। और आगे देखो, नो मैटर हाउ मच वी कैन क्वांटिफाई द बेसिस बेसिक फिनोमेना आर क्वालिटी वंस चेंज एंड इनोवेशन। अंडरलाइन कर दिया ना इसको, उसने कहा कि क्वालिटी पे जोर दिया, किस पे? क्वालिटी पे। और हम बेसल पे क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी दोनों बात कर रहे थे। यहां किस पे जोर दिया उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि नो मैटर हाउ मच वी कैन क्वांटिफाई द बेसिक फिनोमेना आर क्या है, क्वालिटेटिव वंस। अब उसमें क्या बोला, चेंज एंड इनोवेशन। तो ये जो लाइन है जहां अंडरलाइन करा रहा हूं वो ऑप्शन में आ जाती है, सिंपल सी, चेंज एंड इनोवेशन कॉमा रिस्क एंड जजमेंट। तीसरा क्या है, ग्रोथ एंड डिके, डेडिकेशन, विजन, रिवार्ड्स एंड मोटिवेशन, सो ऑन सो फॉर्थ। यानी ये वो चीजें हैं जो एचआर के उसमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आती हैं। ये भी किए, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। दूसरे ने कहा ये सुबह से शाम तक 5000 वाउचर पास कर देता है। इन दोनों में क्या फर्क है? क्वालिटी मेन है, मतलब कहने का मतलब। और जो हमारा वाला पेपर था, सेकंड मॉड्यूल था, उसमें क्वांटिटी, ठीक है। आगे देखिए जरा, उसके बाद उससे नीचे वाले पैराग्राफ में लिखता है, नीचे वाले पैराग्राफ में, विलिंग टू एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम कौन सा, बिहेवियरल साइंटिस्ट इन द आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग ऑर्डर। तो अब कौन सी साइंस यूज कर ली उसने, बिहेवियर साइंस। तो बिहेवियर साइंस भी किसका पार्ट हो गया, ये एचआर का पार्ट हो गया। तो वो साइकोलॉजिस्ट जो लगाते हैं ना एचआर वगैरह में, तो उनका काम है वो बिहेवियर साइंस देखते हैं। बिहेवियर मतलब कि सामने वाले का बिहेवियर क्या है। क्वालिटी क्वांटिटी अलग चीज है बिल्कुल, बिहेवियर एक बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और देखिए नीचे, इन आइडेंटिफाई रिजॉल्विंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम, एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान्ड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ ए नंबर ऑफ। तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोलता है, बोलते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक बात आती है, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क है? साइज का कोई रोल नहीं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से किया हुआ, प्लान्ड मैनर में, प्लान्ड मैनर में कोई, जैसे सिंपल बात है, एक बस में कई सारे लोग मिलके बैठ के दिल्ली जा रहे थे। दिस इज अ काइंड ऑफ ग्रुप और दिस इज अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन बी मस्ट बी ए ग्रुप, बट एवरी ग्रुप कैन नॉट बी एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बस में बैठ के जा रहे हैं, कोई अपना एग्जाम देने जा रहा, कोई रिश्तेदारी में जा रहा, कोई इसमें जा रहा, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में क्या, जब सब लोग एक ही पर्पज के लिए एक कंट्रोल उसमें लिंक्ड होते हुए जब जाते हैं तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाते हैं। आगे फैक्ट्री में जाती हुई बस, फैक्ट्री में जाती हुई बस,
नहीं केवल बस जाते हुए ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, ऑर्गेनाइज वो एज ए होल, वो लोग एज ए होल लोग क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है, ठीक है। अगर वो जैसे इन्होंने बताया, ठीक है, आगे देखिए इसमें नंबर ऑफ पीपल फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल टू असाइंड फंक्शंस एंड थ्रू अ हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें यह जरूरी है, क्या बोला इसने कि ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए हायरार्की ऑफ क्या जरूरी है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यही देखो, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन फर्क आ गया। वो बस में जा रहे थे, सभी एक जैसे थे, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, कोई उनको ये नहीं कहता तुम पीछे बैठ जाओ आगे बैठ जाओ। तो वो क्या था कि ग्रुप था बस वो। और ऑर्गेनाइजेशन में एक खास बात और बता दी, क्या होना चाहिए, हायरार्की होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, कौन बॉस है, उसका डिप्टी बॉस कौन है, एक चीज। और हर हर बंदे की क्या है वहां पे कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल होनी चाहिए, ठीक है। आगे यूजिंग एप्रोप्रिएट, अच्छा एक वर्ड और गया, यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। पहले तो नहीं थी टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्ड और आ गया, यूजिंग एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो अब वो क्या कर लेगा कि आउट ऑफ दीज विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या विच मस्ट बी देयर, समझ रहे बात को, ठीक है। चलो आगे देखिए इसमें, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सक्सेस आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस मैनेजरियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। किसकी कैरेक्टरिस्टिक कि वो सक्सेस जो होगी वो कई सारी बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। डज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क कैन नॉट बी स्टडीड इन, तो ह्यूमन बिहेवियर के वर्क को वो करने के लिए अलग से नहीं कर सकते इसको, इग्नोरिंग वेरियस इंटरडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, इन सबको लेना पड़ता था, ठीक है। इंडस्ट्रियल वर्क ऑरिजिनली वाज ऑर्गेनाइज अराउंड द टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड रूल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस। रूल्स ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता, करके देखा, कर कोई काम करके देखा, ठीक हुआ नहीं हुआ, कुछ हुआ तो हटाओ, कुछ और जोड़ो, चेक एंड बैलेंस, ठीक, कर करके देखते रहते हैं, ठीक। चलो आगे आ जाओ उसमें, अगले से अगले पैराग्राफ में जहां पीपल मैनेजमेंट लिखा हुआ है, बुक में आगे पीछे हो सकता है, ये मैं पुरानी बुक इसलिए रेफर कर रहा हूं, मैंने इसमें टिक मार रखा है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ है, एक दो तीन चौथा पैराग्राफ है, ठीक है। पीपल मैनेजमेंट हैज बीन द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अलोंग। कौन लोग हैं इंपॉर्टेंट, सबसे खास क्या बताए बताइए, पीपल मैनेजमेंट, लोगों को संभालना, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन हैव रिकॉग्नाइज्ड इट्स कंट्रीब्यूशन इन द टोटल फ्रेमवर्क बट दिस एस्पेक्ट इज सो, अंडरलाइन कर लो कि भैया ये सब मामला क्या है, पूरी पूरी लाइन अंडरलाइन मत करो, जहां मैं बोलता हूं डायनामिक वर्ड है, मतलब ये जो ह्यूमन रिसोर्स का जो मामला है क्या है, स्टैटिक नहीं है, क्या है ये, डायनामिक, हमेशा कुछ ना कुछ नया। आप देखते हैं कि हमेशा वहां से रूल आता रहता है कि आप जो है दो साल में एक बार ट्रेनिंग जरूर मिलेगी, दो दिन की छुट्टी जरूर लेनी है, तो ये क्या है, डायनामिक है, कुछ भी ऐसा नहीं, स्टैटिक नहीं है। आगे, दैट इट डज नॉट सीम टू रीच अ लेवल ऑफ स्टेप, वही बात है कि कभी भी ये क्या है, रुकता नहीं है, कुछ ना कुछ में चलता रहता है, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे आ जाओ, वन ऑफ द रीजन फॉर दिस लाइज इन इट्स बीइंग डिफरेंट इन नेचर कंपेयर टू एनी अदर रिसोर्सेज। अब बोला कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसमें रिसोर्सेस जो होते हैं वो हर रिसोर्स अगले से अलग होता है। हम लोग 20, 25, 30 लोग बैठे हुए हैं, हम हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, इसीलिए जब वहां मैनेज करना होता है, मान लिया एनिमल्स को करना होता है, मशीन्स को करना होता है, उन्हें बहुत यूनिफॉर्मिटी होती है, मशीन्स तो बिल्कुल यूनिफॉर्म ही होती हैं, तो उन्हें एक को बटन 5 मिनट चलाना, जो काम ये कर रही वही करेगी। लेकिन प्यूपिल में क्या बोला, ये इस वजह से क्या है, डायनामिक है सिस्टम, ठीक है। अगला से अगला पैराग्राफ है, ऑर्गेनाइजेशन हैव ऑर्गेनाइजेशंस हैव अटेम्प्टेड टू डील विद पीपल, यानी पीपल का नाम है ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोला हुआ, एम्प्लॉय। तो पीपल जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में आने पे ही क्या कहलाता है, एम्प्लॉय बन जाता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग प्रेविलेंट
about human behavior at any point in time, the variations have been, ये पूरा underline मत करना, जब मैं पढ़ रहा हूँ, reading कर रहा हूँ ना, पूरा underline नहीं करना, जब मैं emphasize करूँगा तभी करना, ठीक है? कहाँ पे थे हम लोग? The variation have been characterized from a rather mechanical approach, underline कर लो, rather mechanistic approach to a philosophical, यानी कि ये mechanistic नहीं है, बल्कि philosophical है, ठीक है? आगे The evolution of new approach has been triggered by research in the field of management as well as the social science. Human affairs in any organization are influenced by wide variety of emotions like, ये देखो, अब इसमें क्या है? Wide variety of क्या है? Emotions हैं. Like love and hate, human needs, expectations, human values, belief, perceptions, tradition and culture, and also by technical, social, economic, demographic, political changes and development. तो कितनी सारी, यानी human affairs में इतनी सारी चीजें influence होती हैं, इतनी सारी बातें इंसानों के मामलों में दखलंदाजी करती हैं, एक aspect नहीं है, ठीक है? आगे, ये छोड़ो आगे, perspective, फिर बोलता है, the perspective. पर्सपेक्टिव में देखिए जरा तीसरी लाइन में लिखा हुआ है तो सॉरी सेकंड लाइन में लिखा है एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली अ रेमिफिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज एन इंटरडिपेंडेंसी इंप्लाइड डिपेंडेंसी इंप्लाइड इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल अलोंग साइड विद द अचीवमेंट ऑफ द तो देखो इसने दो बातें बोली एक तो बीच में बोला हुआ है सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स और आखिरी में बोला हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव ठीक है समझ में आई बात चलो आगे फिर अगले वाले में एक नाम आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट एन ऑर्गेनाइजेशन इज कमिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्डर टू अटेन अ कॉमन गोल एज डिफाइनिंग ये बेसिकली जो अभी आगे वाला अलग आएगा ये बोला सिंपल कि जो हमने पहले बताया था कि सारे इंडिविजुअल्स को किसी कॉमन गोल को अटेन करने का एक सिस्टम है अब बोलता है कौन आ गया नाम है देखो As defined by E. Edgar Schiene आगे लिखा हुआ है वो पीछे वाला नहीं है आगे An organization is the rational coordination of the activities of a number of people for achievement of some common explicit ये खास बात आ गई जब आप ग्रुप में जाते हैं तो आपका पर्पज इम्प्लिसिट होता है जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपका पर्पस एक्सप्लिसिट होता है छुपा हुआ नहीं होता है ये फर्क है ठीक है और बोला पर्पस और गोल थ्रू डिवीजन ऑफ लेबर एंड फंक्शन एंड थ्रू ए हायरकी ऑफ अथॉरिटी ऑफ कहने का मतलब है कि ये है उसकी कंप्लीट जो हमने ब्रीफ में पढ़ी थी यहां उसने बेसिकली जितनी डेफिनेशंस में होती है उसमें होता क्या वो कोशिश करते हैं पूरे एरेना को शब्दों में इस तरह कनेक्ट कर दें कि सारी चीज समझ में आ जाए अब शुरू में पूरी कहानी बताई उसको थोड़ा सा ब्रीफ किया ब्रीफ किया ब्रीफ किया करते करते एक ऐसा दो तीन लाइनों का कोई कॉम्बिनेशन बना जिसमें पूरी चीज कवर हो जाती किसकी डेफिनेशन थी भाई आप बताओ आपके में क्वेश्चन कैसे आएगा वो इसी डेफिनेशन को पूरा लिख देगा Is given by और चार नाम लिख देगा ठीक है तो वहां अगर आपने इसमें तो दो तीन शब्द दाएं बाएं भी कर देगा तो भी पकड़ लोगे कि इसी की है क्योंकि डेफिनेशन क्या होता है नॉर्मली थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है किसी की चार लाइन की किसी की दो लाइन की किसी की एक लाइन की ठीक तो आगे देखिए उससे अगले पैराग्राफ में आ जाएंगे Drawing from the definition, we can see there are two interdependent aspects. और ये सारे aspect कैसे होते हैं? Interdependent. One, about people, और other about activity. लोग और उनका काम करना. इनकी interdependency. दूसरे paragraph की दूसरी line में last में, पहले से last में शुरू है. ये the perspective में नहीं है क्या? ये नई book में नहीं चेंज तो नहीं आया? मिल गया चलो अच्छा नेक्स्ट पेज में ठीक है
आगे देखिए, हिस्टोरिकली टू स्ट्रीम्स ऑफ थॉट हैव डेवलप्ड. वन, अब ये थॉट आए क्या आ गए, तो पहला ऑन हाउ टू ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज मोस्ट सिस्टमेटिकली एंड एनालिटिकली सो दैट स्पेसिफिसिटी इन द वर्क प्रोसेस एंड ऑपरेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट. एंड द अदर ऑन हाउ टू अंडरस्टैंड द एन इंडिविजुअल रिलेशन टू गिव एन एक्टिविटी नाउ रिकॉग्नाइज एज वर्क. अब बोला वर्क को डिफाइन किया हुआ, तो वर्क के लिए क्या बोला हुआ इसने, वर्क हाउ टू अंडरस्टैंड एन इंडिविजुअल रिलेशन टू गिव एन एक्टिविटी नाउ रिकॉग्नाइज एज वर्क. तो जो इंडिविजुअल जो एक्टिविटीज हैं उनको क्या नाम दिया ऑर्गेनाइजेशन में, वर्क. हम लोग जब घर में पानी पिला रहे हैं तो उसको हम काम नहीं बोलते, मतलब वो क्या है हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है. लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब कुछ हो रहा है तो कोई भी, अगर आपने ये भी उठा लिया तो आपने काम किया. लेकिन घर में अगर जरा सा गिलास इधर उधर कर दिया तो कहता है मैंने काम कर दिया. ठीक है, जब छोटे से बच्चे लड़ते हैं तो मैंने ये नहीं करा, मैंने वो करते हैं. लेकिन कहां पर नहीं होता है, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी कर रहे हैं आप तो वर्क है, उसी का नाम क्या है, वर्क आ गया नाम. ठीक है, घर में जो करते हैं हम उसे सर्विस कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस नहीं, वो वर्क. उसे टेक्निकल नेम क्या आ गया, कहते हैं हम सर्विस करने जा रहे हैं लेकिन वो ईच एंड एवरी टास्क को वर्क बोल दिया. ठीक है, और आगे जाओ. ऑब्वियसली एनफ थिंकिंग हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाओ. एक नया नाम आ गया है, द बिगनिंग ऑफ दीज टू पर्सपेक्टिव. द बिगनिंग ऑफ दीज टू पर्सपेक्टिव, क्या है दीज टू पर्सपेक्टिव, किसका नाम आ गया, रॉबर्ट ओवेन एंड चार्ल्स बेबेज. बेबेज का नाम तो सुना होगा आपने, कंप्यूटर की जन्मदाता बोलते हैं. तो क्या किया इन्होंने, देखो इन्होंने क्या, ओन्ड ए मैनेजर बाय प्रोफेशन, क्लेम्ड दैट ए मैनेजर्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट वाज हिज इन हिज वर्कर्स. यानी वाइटल मशीन बोला वर्कर को, वर्कर को क्या बोला, मशीन ही तो है बेसिकली. ठीक है, एज ही कॉल्ड देम, ही बिलीव्ड इन प्रोवाइडिंग बेटर कंडीशन फॉर वर्कर्स व्हिच ही थॉट वुड रिजल्ट अ हायर प्रोडक्टिविटी. वेयर एज बेबेज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स वाज एन अर्ली एडवोकेट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर कहां से शुरू हुआ, चार्ल्स बेबेज ने बोला. तो डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम को क्या करना चाहिए, बांटा जाना चाहिए, काम को बांटा जाना चाहिए. ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए, ही बिलीव्ड इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल, वो तो था ही, आपको पता ही है भाई, जिसने कंप्यूटर का आविष्कार कर दिया तो उसने क्या करा, वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट वाला था, कौन, चार्ल्स बेबेज. ठीक है, टू वर्क प्रोसेस टू इंक्रीज द, ये तो सब पता ही है कि टेक्नोलॉजी क्यों यूज करी जाती है. आगे आ जाओ नीचे, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ में आ गया. इट वाज एज्यूम्ड, थर्ड लाइन में मिला कहीं पे, इट वाज एज्यूम्ड दैट द पीपल वुड डू वर्क दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर. यानी कौन सा काम करते हैं जिसके लिए उनको क्या मिला हुआ है. एक बात ये भी है कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है तो जितना भी आप काम कर रहे हैं वो वर्क है. ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो सपोर्टेड एंड सब्सिक्वेंटली हाईलाइटेड इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, क्या है, कॉन्सेप्चुलाइज एंड पायनियर्ड बाय फ्रेडरिक टेलर. एक नाम और आ गया, देखो मिल गया फाइन. ठीक है, आगे देखिए, फेमस फॉर हिज डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट एंड टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड फर्दर सब्सटेंशिएटेड बाय द गेंट एंड गिलबर्थ. यानी उन्होंने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया. ठीक है, आगे बोलता है, सम ऑफ द मेजर अजम्पशंस ऑफ दिस अप्रोच कुड बी. अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके मेजर अजम्पशन बता रहे हैं भैया, क्या बताते हैं. पहला बोलते हैं द टास्क कैन बी ब्रोकन,
The task can be broken down to a simple unit for people to understand and perform. किसको तोड़ा जा सकता है? Task को different छोटे-छोटे पॉइंटों में तोड़ा जा सकता है. ठीक है? आगे देखिए. People will do a given activity in return of money. ये भी बात बोली कि भाई कोई भी अगर काम करवाओगे तो उसके रिटर्न में मनी का मांग लोगे. People will have to do what is defined by the organization and in turn by the technology. तो ये चार जो बातें आई, क्या बात, किस में आई? गेंट एंड गिलबर्थ ने डिवीजन ऑफ लेबर के उसमें जो है थोड़ा सा और एडिशन किया, और वो ये बोला, क्या क्या बोला? पहला कि टास्क को हम छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं, और लोग जो काम करते हैं वो मनी के बदले में करते हैं, और तीसरी बात बोली कि पीपल लोग वो करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन उनको कहता है, और आई क्या बोला? इन टर्न बाई टेक्नोलॉजी और विद द सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक हो गया, चलो उसके बाद आगे आ जाओ. तीसरी लाइन में लिखा हुआ है बट सर्टेन अदर एक्टिविटीज बिहेवियर. इसका मतलब क्या है? कि जो एक्टिविटी होती है उनकी, उसको मैनेजमेंट में क्या नाम दिया है? बिहेवियर. मैनेजमेंट में क्या नाम दिया उसको? बिहेवियर. जो एक्टिविटीज है उनको कहते हैं ना, जिस तरह का लोग काम एक्टिविटी करते रहते हैं, जैसे काम तो करते हैं उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें बोलते हैं इसको, तो हरकतें इज नोन एज बिहेवियर. ठीक है, आगे फिर आगे आ जाइए. इसमें इसके नीचे से ऊपर चौथी लाइन लिखे कहीं दाओ सर्टेन फैक्टर लाइक लिखा हुआ मिला कहीं पे? ये है नीचे से तीसरी लाइन ऊपर. दाओ सर्टेन अप्रोच दैट द सर्टेन फैक्टर्स दो सर्टेन फैक्टर लाइक पीरियडिक इकोनॉमिक डिप्रेशन, इमिग्रेशन ऑफ वर्कर्स, एग्रेसिव स्टांस ऑफ द मैनेजमेंट इन द कॉम्बेटिंग द एफर्ट ऑफ लेयर टू यूनियनाइज डिलेट. अब यहाँ पे बात आ गई कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जो यूनियन बनाने पे वो होती है, किन कारणों से यूनियन बनती है. तो क्या क्या बोला उसने किन कारणों से बनती है? पहला बोला तो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, दूसरा बोला इमिग्रेशन, जो लेबर है इधर से उधर आना जाना हो जाता है, एग्रेसिव स्टांस ऑफ मैनेजमेंट बहुत होता है जैसे आजकल बैंकों में हो रहा है. ठीक है, द एफर्ट ऑफ ऑल डिलेड स्ट्रेंथनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज प्रोसेस. उसमें क्या होता है, सब चलता है ना, भी ये कर दो और वो कर दो, फिर क्या उसके द जेन्युइननेस ऑफ इश्यू मेड इट अ परमानेंट फॉर्मल फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियनाइजेशन ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द ऑर्गेनाइजेशन अवेयर ऑफ द रोल ऑफ द एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर. कैसे कारण होता है ऐसा? ठीक है, बोला ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियनाइजेशन ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम मेड द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ही यूनियनाइजेशन की बात आती है तो फिर ये कॉन्सेप्ट फिर निकल आता है क्या, कि भैया ये क्या चीज है, एक्सटर्नल सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर हो रहा है फिर. ठीक है, दीज पर्सपेक्टिव एजम्पशंस एंड अप्रोचेज हैव नाउ लिटिल रेलिवेंस विद टूडेज ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑपरेटिंग इन. कहाँ पे है ये? पुरानी बुक में शायद नहीं है ना, पुरानी में नहीं है, नया आ गया. देखो हाँ, एक वर्ड आ गया, इसकी फुल फॉर्म आएगी, आप लोग अचंभे में हो जाओगे. ये क्वेश्चन बिल्कुल रखा हो सकता है. हाँ, क्या है? VUCA पुरानी बुक में नहीं है, नया वाले बच्चे लिख लो. और फिर मैं एक लाइन को पढ़ रहा हूँ इसको, दीज परस्पेक्टिव एजम्पशंस एंड अप्रोचेज. क्या क्या बोली? दीज परस्पेक्टिव्स एजम्पशंस एंड अप्रोचेज हैव नाउ लिटिल रेलिवेंस विद टूडेज ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑपरेटिंग इन. क्या बोला? वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्युटी एनवायरमेंट. चलो आगे आ जाओ, उससे आगे आ जाओ. इन एडिशन टू ये दो लाइन नई बुक में आ गई, पुरानी में बिल्कुल नहीं है दो लाइन. ठीक है, चलो अब आ गया अगले पैराग्राफ में कहीं लिखा हुआ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लिखा हुआ है. उससे पहले उसी से एक ऊपर लाइन, द इम्पैक्ट ऑफ हॉथॉर्न
Hawthorne study carried out Elton Mayo and other Western Electric Company during 1920. तो किसी स्टडी का नाम आ गया यहाँ पे? कौन कौन से हैं दो लोग? एल्टन मेयो एंड वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी 1924-23 में. इज ए लैंडमार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थ्रू द ह्यूमन एंड अप्रोचमेंट. तो सबसे पहले इसका नाम आ गया भैया. तो जब भी बात आती है सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट की बात आई तो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक और एल्टन मेयो की बात आ रही है. तो अच्छा एक बात सुनिए, MBA का सबसे पहला कोर्स कौन सी स्ट्रीम का शुरू हुआ था? सबसे पहले MBA फाइनेंस शुरू हुआ था. धंधा बिना पैसों के नहीं होता, और पैसों से धंधा शुरू होता है तभी उसमें कुछ और आती है. तो सबसे MBA पहले कौन सा शुरू हुआ था? फाइनेंस. मैंने इसीलिए बीच में पूछा. तो ये तो 1922-23 की 24 की बात आ रही है, उससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत पहले से चलता है. ठीक है, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का MBA का मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स कहना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले क्या शुरू हुआ था उसमें? फाइनेंस शुरू हुआ था. ठीक है, पैसों का मैनेजमेंट सबसे पहले सीखा गया था. बाद में ये चीज़ आ रही, जैसे अभी IT मैनेजमेंट अभी तो आया, तो नए नए जैसे आते जाएंगे तो वो मैनेजमेंट बाद में आते हैं, स्ट्रीम आ जाएगी. ठीक है, तो कब से शुरू हुआ बात? अच्छा आगे कुछ और नाम दिए हुए लेटर रिसर्चर, कुछ नाम और देख लो कहाँ लिखे हुए, चार पांच लाइन नीचे लिखा हुआ है. लेटर रिसर्चर लाइक क्रिस आर्गरिस मिला, क्रिस आर्गरिस, तो पांच छह नाम है वो. एब्राहम मैस्लो आ गया, देखो मैस्लो थ्योरी है. अच्छा फिर बोला डगलस मैकग्रेगर, फेडरिक हर्जबर्ग, ये जितने नाम है ना इनकी सबकी थ्योरियां हैं आगे. ठीक है, हम उसको चित्रों समझ लेंगे. चलो आगे देखिए, हाईलाइटेड डायमेंशन ऑफ द मोटिवेशन दैट आर रूटेड इन द ग्रोथ नीड ऑफ एन इंडिविजुअल. द सेंट्रल थीम ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट वाज दैट इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड बाई अदर देन मोटिव. समझ में आई बात? इन्होंने कहा साहब केवल पैसे से काम नहीं चलता, बैंक वालों को तनख्वाह मिलती है कम फिर भी खूब काम करते हैं, क्या बात है, है? यानी कुछ और फैक्टर भी है, कुछ और फैक्टर भी है. क्या पड़ोसी बोलते हैं मेरा बेटा तो बैंक में है, नहीं बोलते है? और बैंक होते ही तो लोग पब्लिक समझती है बड़े अच्छे हो रहे है ना, कि सरकारी नौकरी में तो कोई भी लग जाता है, बैंक में सारे नहीं लगते. ठीक है, पहले बताते थे 70-73 के आसपास लोग IAS छोड़ के बैंक में भी आए थे. व्हाइट कॉलर जॉब बोला जाता था, बड़ी अच्छी बातें थी, या कोई उनको कुछ कह नहीं पाता था, पता नहीं क्या क्या बातें. हाँ ठीक है, चलो आगे देखिए. तो इन्होंने सबने बताया भैया ये सा केवल पैसे पैसे की बात नहीं है, कि ना पैसा पैसा करती है, कहा जो है अदर देन फैक्टर्स भी टू है. चलो इस पैराग्राफ में अब कुछ नहीं, नीचे आ जाओ जरा. हाँ अगले पे आ जाओ. द डेवलपमेंट ऑफ प्यूपिल मैनेजमेंट फंक्शंस आ गया. अब क्या आ गया प्यूपिल मैनेजमेंट के लिए, क्या है जो उनके फंक्शंस का डेवलपमेंट. ठीक है, तो इसमें आ जाओ. एक नाम लिखा हुआ इस पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, प्रोफेसर ए के राइस इन 1952 इज अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑफ दिस डायरेक्शन. किस बारे में डायरेक्शन? अहमदाबाद मिल्स है, ये अहमदाबाद मिल्स है. कहाँ पर है? अहमदाबाद में एक मिल है, उसके हैं उसके लिए उन्होंने क्या काम किया था तब ये बात करेगी. इसमें एक काम करो, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट तीसरी लाइन जरा देखना. देयर वाज ए नीड टू हैव स्पेशल डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस. देखो आ गया, सबसे पहले फाइनेंस आ गया, अकाउंटिंग प्रोसीजर एटसेट्रा. हाउ इट वाज मच लेटर दैट द नीड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट. तो मच लेटर, बहुत समय बाद ये बात शुरू हुई. ठीक है, इन इंडिया
और इंडिया में ये बात कब शुरू हुई? 1952 में अहमदाबाद